खबर लुधियाना तो है जिथे एक वड्डा हादसा हुण टल गया है। दरअसल एक जेसीबी मशीन तीसरी मंजिल तो डिग पई जो कि अध विचकारे ही अटक गई है। चंगी गल यह रही कि इस हादसे दे विच कोई भी जानी नुकसान नहीं होया है। तीसरी मंजिल तो डिगण तो बाद यह मशीन जमीन ते नहीं डिगी बल्कि अध विचकार ही फस गई है। तो हुण इस मशीन नूं हेठां लाउण दीआं कोशिशां लगातार जारी ने। लुधियाणा के गऊशाला रोड से माधोपुरी इलाके की एक घटना है जिथे जेसीबी मशीन नूं तीजी मंजिल तो एक मशीन चढ़ाउण दे लई मंगाया गया सी। इसे दौरान यह जेसीबी मशीन हादसे का शिकार हो जाती है। मशीन का वजन ज़्यादा सी जिस कारण जेसीबी मशीन का संतुलन बिगड़ गया तो अगों जेसीबी मशीन हेठां आ डिगी। इस पूरे हादसे दौरान आस पास इमारतों नूं नुकसान होया है। जिस बिल्डिंग दे विच समान चढ़ाउण दी कोशिश की जा रही थी उस बिल्डिंग नूं भी वड्डा नुकसान होया। राहत दी गल ये रही कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी जानी नुकसान नहीं होया अते किसी नूं सट भी नहीं वजी है। इस पूरे मामले की जानकारी दिंदिया फैक्टरी के मालक ने दस्या है कि जेसीबी मशीन के मालक ने उन्होंने ये नहीं दस्या कि यह मशीन ज़्यादा लोड नहीं चुक सकती। उन्होंने कहा कि जेकर उन्होंने पता होंदा तो वह ज़्यादा लोड चुकन वाली मशीन ही मंगवाउंदे। क्रेन तो सवेर की आई थी उस तो बाद समान समून इकट्ठा कर रहे थे उन्हें उतारन लगे थे तो वो इन्ना को वेट नहीं समझ लिया कि इन्हों की ज क्रेन हल्की सी इन्हों पता है तो हूँ तो ना इन्होंने दसिया क्रेन वालों का यह थी भी ये देखते भी इन्ना लोड नहीं सहार सकती क्रेन ना लाते तो इन्हों का हूँ की इन्हों की क्रेन च की इन्हों देखना चाहिए भी इन्ना वेट नहीं चुक सकती अपना नहीं चुकते वेट के कारण नहीं होया होना क्रेन ने वेट नहीं संभालिया की है सानू तो इन्हें बनेरा तोड़ना पैना बनेरा भी तोड़वा दिता। क्रेन गली जा समान उतारने आई थी नुकसान तो हूँ उतरू जाऊंगे तो पता लगेगा आसे पास बिल्डिंगा सारिया हिल गई हैं उपर सा बिल्डिंग भी टुट गई नाल के क्वार्टर है भइया के वह भी सारे हिल गए उन्होंने भी छत्त हिल गई हुई हूँ सारे जाऊंगे पता लगेगा की होया जानी नुकसान नहीं होया बस इन्ना शुक्र है। प्रशासन तो यही है भी चलो पहला तो निकले क्रेन उतरे तो देखिए की है हो गया घंटा डेढ़ घंटा हो गया। लुधियाना तो दैनिक सवेरा दे लई हिम्मत सिंह की रिपोर्ट। खबर लुधियाना तो है जिथे एक वड्डा हादसा हुण टल गया है। दरअसल एक जेसीबी मशीन तीसरी मंजिल तो डिग पई जो कि अध विचकारे ही अटक गई है। चंगी गल यह रही कि इस हादसे दे विच कोई भी जानी नुकसान नहीं होया है। तीसरी मंजिल तो डिगण तो बाद यह मशीन जमीन ते नहीं डिगी बल्कि अध विचकार ही फस गई है। तो हुण इस मशीन नूं हेठां लाउण दीआं कोशिशां लगातार जारी ने। लुधियाणा के गऊशाला रोड से माधोपुरी इलाके की एक घटना है जिथे जेसीबी मशीन नूं तीजी मंजिल तो एक मशीन चढ़ाउण दे लई मंगाया गया सी। इसे दौरान यह जेसीबी मशीन हादसे का शिकार हो जाती है। मशीन का वजन ज़्यादा सी जिस कारण जेसीबी मशीन का संतुलन बिगड़ गया तो अगों जेसीबी मशीन हेठां आ डिगी। इस पूरे हादसे दौरान आस पास इमारतों नूं नुकसान होया है। जिस बिल्डिंग दे विच समान चढ़ाउण की कोशिश की जा रही थी उस बिल्डिंग नूं भी वड्डा नुकसान होया है। राहत की गल ये रही कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी जानी नुकसान नहीं होया अते किसी नूं सट भी नहीं वजी है। इस पूरे मामले की जानकारी दिंदिया फैक्टरी के मालक ने दस्या है कि जेसीबी मशीन के मालक ने उन्होंने ये नहीं दस्या कि यह मशीन ज़्यादा लोड नहीं चुक सकती। उन्होंने कहा कि जेकर उन्होंने पता होंदा तो वह ज़्यादा लोड चुकन वाली मशीन ही मंगवाउंदे। क्रेन तो सवेर की आई थी उस तो बाद समान समून इकट्ठा कर रहे थे उन्हें उतारन लगे थे तो वो इन्ना को वेट नहीं समझ लिया कि इन्हों की ज क्रेन हल्की सी इन्हों पता है तो हूँ तो ना इन्होंने दसिया क्रेन वालों का यह थी भी ये देखते भी इन्ना लोड नहीं सहार सकती क्रेन ना लाते तो इन्हों का हूँ की इन्हों की क्रेन च की इन्हों देखना चाहिए भी इन्ना वेट नहीं चुक सकती अपना नहीं चुकते वेट के कारण नहीं होया होना जहाँ की क्रेन ने वेट नहीं संभालिया की है सानू तो इन्हें कहीं बनेरा तोड़ना पैना बनेरा भी तोड़वा दिता। क्रेन गली जा समान उतारने आई थी नुकसान तो हूँ उतरू जाऊंगे तो पता लगेगा आसे पास बिल्डिंगा सारिया हिल गई हैं उपर सा बिल्डिंग भी टुट गई नाल के क्वार्टर है भइया के वह भी सारे हिल गए उन्होंने भी छत्त हिल गई हुई हूँ सारे जाऊंगे पता लगेगा की होया जानी नुकसान नहीं होया बस इन्ना शुक्र है। प्रशासन तो यही है भी चलो पहला तो निकले
ਕਰੇਨ ਉਤਰੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਫਸੇ ਨੂੰ ਕਰੇਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ